नमस्ते एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं बात करूंगी ओरेकल कार्ड्स की, थोड़ा सा टैरिट के बारे में भी बताऊंगी। ओरेकल कार्ड्स एंजल्स से संबंधित हैं, ये मैंने आपको बताया। एक हीलिंग में कोर्स होता है एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी के अंदर भी ओरेकल कार्ड को समाहित किया जाता है। बहुत सारे एंजल थेरेपी सिखाने वाले लोग साथ में ओरेकल कार्ड्स भी सिखाते हैं, जबकि वस्तुतः एंजल थेरेपी और ओरेकल कार्ड्स रीडिंग दोनों अलग अलग विधाएं हैं। अगर आप एंजल थेरेपी सीख गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ओरेकल कार्ड रीडिंग करने में भी समर्थ हैं। जैसा कि मैंने कहा, ओरेकल कार्ड रीडिंग के लिए भी एक अभ्यास की, सतत प्रयास और निष्ठा की आवश्यकता होती है। ये जो जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये हमसे संपर्क साधती हैं और उस संपर्क का माध्यम जितना शुद्ध होगा, जितना स्वच्छ होगा, ये उतनी सरलता से हमसे जुड़ती हैं। तो ये भी एक सरल प्रक्रिया नहीं है और दो दिन में ओरेकल कार्ड सीखकर हम नहीं करा सकते। इसके लिए भी एक लंबा अभ्यास होता है, जिसमें हम रीडिंग करने से पहले ध्यान करते हैं, वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं, अपने आसपास के माहौल का शुद्धिकरण करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, फिर उसके बाद हम ये कार्ड रीडिंग करते हैं। आर्कएंजल माइकल की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या हमारे गार्डियन एंजल्स की भी। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और एक बहुत बड़ा दायित्व भी है, क्योंकि हमारे से पूछकर लोग अपनी ज़िंदगी में फैसले लेते हैं। तो ये कोई हंसी खेल नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से ही करना पड़ता है। ओरेकल कार्ड रीडिंग से हम हर चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु का या जेंडर का अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे हमसे बहुत सारे लोग ये पूछा करते हैं कि इस गर्भ से क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो वो संभव नहीं है। इस तरह की रीडिंग आप ओरेकल कार्ड्स से नहीं कर सकते। जनरली ऐसी स्थिति में ओरेकल कार्ड्स में आंसर आने बंद हो जाते हैं। ओरेकल कार्ड्स क्योंकि एंजल्स से जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जब हम उनसे चैनलाइज्ड होते हैं तो बहुत चार्ज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चैनलिंग टूटती है तो तुरंत हम वीक महसूस करते हैं। इसीलिए जब कभी भी आप ओरेकल कार्ड रीडिंग से रीडर से सर्विसेज लें, तो बेहतर है कि उसकी एनर्जी को सेव्ड रहने दें। आप अपनी जो है मेन मुद्दे की बात करें, कंटेंट पे बात करें। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, उसके बीच में टाइम पास, उनको ये लगता है कि टैरट रीडिंग या ओरेकल रीडिंग तो कोई हंसी खेल है और इट इज़ लाइक गेम, जस्ट यूं हो जाता है। ऐसा नहीं होता, इट नीड्स एनर्जी। और जब कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो ड्रेन की भी फीलिंग आती है, ड्राइनेस भी आती है। तो उसके लिए भी हमें उपाय करने पड़ते हैं, जो कई बार थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल सस्ते नहीं आते और सेज भी सस्ती नहीं आती है। और ये सब चीज़ें जो हैं हमें अरेंज करनी पड़ती हैं, और उसके हिसाब से प्योरिफिकेशन अपना करना पड़ता है, अपने कार्ड्स का प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। जिस क्लोथ के ऊपर हम ये कार्ड रीडिंग करते हैं, हमें उसकी भी सफाई करनी पड़ती है। तो ये सब ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। तो इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, ये एक गंभीर काम है और इसे वैसे ही लेना चाहिए। तो बेहतर ये है कि जब आप किसी ओरेकल रीडर से आप रीडिंग लेते हैं, तो आप अपने कंटेंट पे रहें, बाकी अगर कोई बात है तो वो बाद में करें। सुनने पर ज़्यादा जोर दें, ना कि सुनाने पर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ओरेकल कार्ड रीडिंग अपने आप में बहुत अच्छी होती है, लेकिन टैरट रीडिंग जो होती है वो थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा सा हार्श भी हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको जो स्थिति है उसका करेक्ट जो डेविएशन है वो आपको दिखाएंगे। जैसे कि किसी सिचुएशन में एंजल्स तो कहेंगे कि ये ठीक हो जाएगा, हाँ अभी थोड़ा ऐसा है, लेकिन इट इज़ गोइंग इन योर फेवर। लेकिन टैरट्स कहेंगे, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे यहाँ कुछ नहीं बदलेगा।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में आ जाता है। बाकी रीडर की अपनी आर्ट है कि वो कैसे क्या रीडिंग करता है और किस तरह से एनर्जीज को चैनल करता है। प्रैक्टिकल रीडिंग के लिए दोनों ही अच्छे हैं, बस रीडर की अपनी आर्ट है कि वो किस तरह से यूज़ करता है दोनों को। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितना कॉन्सेंट्रेटेड हैं और कितना हमारा प्योरिटी है। तो ये थोड़ा सा मैंने ओरेकल कार्ड्स के बारे में बताया है, लेकिन हाँ ये है कि ओरेकल कार्ड्स आर सेपरेट एंड वी शुड टेक देम एज ए सेपरेट कोर्स। तो इन एनर्जी से कनेक्ट होना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन उसके भी लिमिटेशंस और कुछ रूल्स होते हैं, कुछ भी बिना इसके नहीं होता। हर एंजल्स का अपना एक काम होता है, ये हमें एंजल थेरेपी बताती है, लेकिन उस एंजल्स का हमारी एंजल का हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, क्या काम है, क्या सिचुएशन है, क्या एनालिसिस है, वो जान लेने का काम हम ओरेकल से करते हैं। साथ ही साथ ये है कि जब कोई हम ओरेकल कार्ड खोलते हैं तो उससे जुड़ा हुआ एंजल उस सिचुएशन उस प्रॉब्लम के लिए हीलिंग के लिए आता है, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। तो ये ओरेकल से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं जो मैंने आज आपको दी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, आशा है आपकी सहायता होगी। थैंक यू।